सभी को सलाम नमस्ते जय भीम। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी दिनांक 22-23 फरवरी 2018 विषय हाशिए का समाज और साहित्य में अस्मिता के उभरते नए आयाम के उद्घाटन सत्र में मैं सिराज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर एम ए सिकंदर कुल सचिव मानू से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी से भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। इस संगोष्ठी के बीच व्याख्यान के लिए हमारे गुरुजी, मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर का भी से भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। मैं गुजारिश करता हूं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद जी से वह भी मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। मैं गुजारिश करता हूं प्रभारी हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर उस जफर जी से वह भी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करता हूं इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर डी शेष बाबू जी से भी वह भी आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आए हो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए हो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल आप सबको झूमने लगा, देखकर दिल आप सबको झूमने लगा, सबके मन खिलखिलाने लगे। अब मैं प्रेरणा गीत के लिए हिंदी विभाग के शोधार्थी एवं छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि वो डाइस पर आमंत्रित हैं, वो आएं और अपना प्रेरणा गीत प्रस्तुत करें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना।
कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। भूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। शुक्रिया आप सभी का। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मैं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर नसीम फरीस जी से अनुरोध करता हूं कि इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर एम ए सिकंदर जी कुलसचिव मानू को शॉल और उपहार देकर स्वागत करें। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर उज़फर जी से गुजारिश करता हूँ कि इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम जी को शॉल, मोमेंटो और उपहार देकर स्वागत करें। तालियों में कमी मत कीजिए। कोई एक दो नहीं पूरी गुलालों की बस्ती है, कोई एक दो नहीं पूरी गुलालों की बस्ती है। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं, आप खुशनुमा हस्ती हैं। कुलसचिव डॉक्टर एम ए सिकंदर जी से गुजारिश करता हूं कि इस संगोष्ठी के बीच व्याख्यान के लिए पधारे माननीय कुलपति इंदिरा गांधी नेशनल मोमेंटो और उपहार देकर स्वागत करें।
آپ آئے یہاں شکریہ مہرباں آپ آئے یہاں شکریہ مہرباں کیا کہے آپ کو ہم ہوئے بے زباں سنگوشتی کے سنیوجک ڈاکٹر ڈی سیشو بابو جی سے انروت کرتا ہوں کہ سنکائے ادھیکش پروفیسر نسیم فریض جی کو شال اور اپہار دے کر سواگت کریں رونقیں دمک اٹھتی ہیں نور پھیل جاتا ہے رونقیں دمک اٹھتی ہیں نور پھیل جاتا ہے جب محفل میں آپ سا کوئی آتا ہے پھر ایک بار ڈاکٹر ڈی سیشو بابو جی سے انروت کرتا ہوں کہ ہندی وبھاگادھیکش ڈاکٹر محمد خالد مبشر اظفر جی کو شال اور اپہار دے کر سواگت کریں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے اب میں وبھاگادھیکش ڈاکٹر محمد خالد مبشر اظفر جی سے انروت کرتا ہوں کہ اس سنگوشتی کے سنیوجک ڈاکٹر ڈی سیشو بابو جی کو شال اور اپہار دے کر ان کا بھی سواگت کریں अब मैं इस संगोष्ठी में उपस्थित छात्र छात्राएं शोधार्थी प्राध्यापकगण अतिथि मुख्य अतिथिगण आदि का औपचारिक रूप से स्वागत करने के लिए विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर उज़फर जी को डाइस पर आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनकें बढ़ी वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती सर بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس دو روزہ سیمینار میں پورے ہوں گے ہاسیہ کا سماج اور ساہتیہ میں اسمتا کے ابھرتے نئے آیان اس موضوع پر یہ دو روزہ سیمینار ہمارے شعبے کی دوسری کوشش ہے میں جس وقت شعبے کے ساتھ وابستہ ہوا میرے سامنے ایک بہت بڑی روایت تھی پروفیسر کٹی منی صاحب کی بہت بڑی روایت اور حقیقت میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کی بنائی ہوئی کوششوں اور ان کے آشیانے کی چھاؤں میں کچھ ہلکے قدم ڈالنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں میں نے ہمارے ساتھیوں سے دو ہی چیزوں کی درخواستیں کی تھی ایک تو یہ کہ ڈپارٹمنٹ میں کسی دن بھی یہ احساس نہ ہو کہ آپ کا وبھاگ ادھیکش کہیں ایڈیشنل ہے ہم ایک ساتھ کام کریں گے خوب کام کریں گے اور مل کر کام کریں گے اور مجھے بڑی خوشی ہے ہمارے بڑوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہمارے سبھی ساتھیوں نے کلیگز نے اسٹوڈنٹس نے اسکالرس نے اس کا پورا خیال رکھا کہ جتنی عزت مجھے ملنی چاہیے اس سے زیادہ عزت انہوں نے دی ہے دوسری درخواست میں نے ہمارے ساتھیوں سے کی تھی کہ میں اگر شعبے کو کچھ دے سکتا ہوں تو صرف موٹیویشن دے سکتا ہوں
ایز این اکیڈمیشین، تعلیم سے وابستہ ایک فرد طالب علم کی حیثیت میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دن آپ کے ساتھ گزریں اس میں ہماری سرگرمیوں میں اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دوسرا موقع ہے۔ پہلا پروگرام ہمارا کرن سنگھ اتوال جی نے کیا، انہوں نے ایک بہت ہی معیاری قومی کانفرنس یہاں پر کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ پیرلل سیشنز میں۔ ہم نے اس وقت پروفیسر کٹی منی صاحب کو بہت مس کیا، لیکن خوشی ہے کہ اس کے فوری بعد سیکنڈ اسٹیپ کے طور پر ڈاکٹر شیش بابو آگے آئے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دو ساتھی پٹھان صاحب بھی اور جی وی رتناکر صاحب بھی اب لائن میں ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے سلسلے میں بہت اچھی کوششیں آئندہ ہم کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہی کسی وبھاگ، کسی شعبے، کسی ڈپارٹمنٹ کی زندگی ہوتی ہے کہ وہاں کی عید یہی سیمینار اور یہی سمپوزیم ہوتے ہیں۔ میں اس موقع پر بہت دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں پروفیسر ٹی وی کٹی منی صاحب کا، جو اندرا گاندھی نیشنل ٹرائبل یونیورسٹی امرکنٹک کے اس وقت وائس چانسلر بھی ہیں، اور اس سے زیادہ وہ ہمارے سینئر، ہمارے سرپرست اور ہمارے رہنما رہے ہیں، اور آج بھی ان کی سرپرستی اور رہنمائی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے وبھاگ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر ٹی وی کٹی منی صاحب مستقل ہمارے ساتھ آج بھی افیلیٹڈ ہیں، اور ہمارے بچے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر جے پرکاش کدم، آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، بہت معروف شخصیت ہیں، اور ہندی کے حوالے سے ان کی خدمات کا ایک بڑا دائرہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے اسکالرس، ہمارے طلبہ اور ہمارے ٹیچرس ان کی یہاں پر موجودگی سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ سر، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے ہر دل عزیز رہنما، ہمارے موٹیویٹر، ہمیں ہر موقع پر ساتھ دینے والے، ہمارے لیے راستے بنانے والے، ہمارے رجسٹرار ڈاکٹر ایم اے سکندر صاحب، جو خود اپنے اکیڈمک کیریئر اور پرفارمنس کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر میں یہ کہوں کہ ہمارے لیے سادگی کے ساتھ ہمیشہ اویلیبل رہنے والی شخصیت ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمارے اس سیمینار کی دعوت کو قبول کیا اور رونق بڑھائی۔ میں ان کا بھی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں۔ ہر دم ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے ڈین پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب، جو ہمارے درمیان ہمیشہ رہتے ہیں، چھوٹی چیز بڑی چیز ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان کا بھی اس موقع پر میں استقبال کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے ڈی شیش بابو صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر، ایک اہم ٹاپک پر یہاں پر گفتگو کو چھیڑا ہے۔ اور مخدوم کے الفاظ میں میں یہ کہوں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ہاشی کا سماج اور ساہتیہ میں اسمیتا کے ابھرتے نئے آیام، اس دو دیوسیہ راشٹریہ سنگوشٹی کا پریچے دینے ہیتو سنگوشٹی کے سنیوجک ڈاکٹر ڈی شیش بابو جی کو ڈائس پر آمنترت کرنا چاہتا ہوں ان پنکتیوں کے ساتھ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کاروا بنتا گیا۔ سر، آج کے اس ادگھاٹن ستر کے ادھیکش ڈاکٹر ایم سکندر صاحب، اور آج کے اس سبھا کے مکھیہ اتھیدھی ڈاکٹر جے پرکاش کردم سر، اور کینوٹ ایڈریس کے لیے وے پریاس کے ساتھ ہمارے پاس ہے پروفیسر ٹی وی کٹی منی سر، کیونکہ میں جتنا بھی کہوں وہ بہت کم ہوگا سر کے بارے میں، کہ سر نے ہم نے ایک بار کانٹیکٹ کیا ہے سر سے، تو سر نے، میں بعد میں بولوں گا، لیکن ایک بار رات کو فون کیا ہے، کیا ہوا سیمینار کے بارے میں، کتنا چل رہا ہے سر، ہم نے کہا سر آپ کے بنا تو چلنا مشکل ہے، تو سر کہا ہے کہ چلو میں آؤں گا، چنتا مت کرو۔ تو میں کٹی منی سر کو بھی سواگت کرتا ہوں، اور ہمارے سنکھایا ادھیکش نسیم صاحب، ہمارے وبھاگ ادھیکش مبشر صاحب، اور دیش کے وبھن پرانتوں سے آئے ہوئے سبھی متروں کو میں اس سنگوشٹی میں سواگت کرتا ہوں۔ تو یہ ہاشے کا سماج اور ساہتیہ میں ابھرتے اسمیتا کے نئے آیام،
इस विषय को लेकर बहुत चर्चा परिचर्चाओं के बाद हमने एक निर्णय पर आ गए हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी में रहने के कारण हो या आजकल के वर्तमान समाज की स्थिति को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर, इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि एक अहम मुद्दा है वर्तमान संदर्भ में। तो हमने इस सेशन को, इस विषय को कुल 6 सत्रों में और साथ साथ 2 पैरेलल सत्रों में हमने विभाजन किया है। कुल मिलाकर 90 से ज़्यादा लोग इसमें प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले हैं। वास्तव में हमारे पास 150 से ज़्यादा प्रपत्र आए हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हमने सबको नहीं बुला पाया। तो मैं आप सबसे स्वागत करता हूं, आप सबको स्वागत करता हूं कि ये 2 दिन हमारे साथ रहिए, संगोष्ठी में भाग लीजिए और हमारे जो प्रयास है साहित्य के द्वारा समाज को या सामाजिक चिंतन को हमारे सामने चर्चा पर चर्चाओं के जरिए रखने का, तो वो सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए मैं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर नसीम फरीज जी को डायस पर आमंत्रित करता हूं। वो आए और अपने विचार रखें। शोभे हिंदी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम, हाशिए का समाज और साहित्य में अस्मिता के उभरते नए आयाम के मौजू पर मुनाक़िदा इस 2 रोज़ा सेमिनार के इफ्तिताही इजलास के सदर आली जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर MA सिकंदर साहब रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, मेहमान खसूसी मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर जय प्रकाश कार्डम साहब और आज के इस इफ्तिताही इजलास के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर TV कट्टीमणि साहब वाइस चांसलर इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, जो एक तरह से मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। मेहमान इसलिए नहीं है कि उनका ताल्लुक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से बहुत ही देरीना और बहुत गहरा है। हमने आर्जी तौर पर तोहफ़तन किसी को दिया है, वो वहाँ पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ही के रिश्ते से हैं और वो रिश्ता टूटा नहीं है, इतना मजबूत है कि वो हमेशा बाकी रहेगा। शोबे हिंदी के सदर डॉक्टर खालिद बशरुज़फ़र साहब, हाल में मौजूद प्रोफेसर इकबाल अहमद साहब डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन मानू, और यहाँ तशरीफ़ फरमा बहुत सारे हिंदी के प्रोफेसर्स हैं, असातिज़ा हैं, लिखेक हैं, क्रिटिक्स हैं, रिसर्चर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तहम प्रोफेसर सरराजू साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के रिश्ते से, और यूनिवर्सिटी के दीगर शोबों से तशरीफ़ लाए असातिज़ा, टीचिंग और नॉन टीचिंग अमले के अरकान, शोबे हिंदी के तमाम टीचर्स, डॉक्टर शशि बाबू साहब कोऑर्डिनेटर सेमिनार, तुलबा और रिसर्च स्कॉलर्स। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और आप सबकी जानिब से शोबे हिंदी को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस बड़े पैमाने पर इस शानदार सेमिनार का इनेखाद अमल मिलाया। हकीकत यह है कि शोबे हिंदी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल का एक बहुत ही एक्टिव, डायनामिक और फ़ाल शोबा है, जहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज़ और एकेडमिक काम होते रहते हैं, जिसके लिए शोबे के तमाम असातिज़ा के साथ साथ शोबे के स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज का ये जो सेमिनार है 2 रोज़ा, वो भी उनके इस मेहनत, लगन और जुस्तजू का आईनादार है, जिससे ज़ाहिर होता है कि शोभा कट्टीमणि साहब ने जिस मजबूत बुनियाद के साथ इस शोबे का आगाज़ किया था, उनके जो सक्सेसर्स हैं उन्हीं के बनाए हुए नक्शे पर इसकी इमारत को मजीद आसमान तक ले जा रहे हैं और
مجھے امید ہے کہ ان کی محنت اور دیانتداری کے سبب ایک دن وہ آئے گا جبکہ شعبہ ہندی ہندوستان کے ٹاپ موسٹ ہندی شعبوں میں سے ایک شعبہ رہے گا۔ ہم کو یہ اچھی امید رکھنا چاہیے ان کے کام کے پیش نظر سے، اور چونکہ اس کی بنیادیں پروفیسر کٹی منی کا جیسا مبارک ہاتھ ہے جس نے اس کی سنگ بنیاد رکھی ہے شعبے کی، تو میں توقع کرتا ہوں کہ ایک دن یہ ضرور آئے گا جبکہ شعبہ ستاروں کو چھو لے گا۔ دوستو، اس سیمینار کا جو ٹاپک ہے، جو تھیم ہے، وہ بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر آج کے حالات کے پیش نظر کہ حاشیے کا سماج اور ساہتیہ میں اسمتا کے ابھرتے نئے آیام۔ ادب جو ہوتا ہے، جس کو ہندی میں ساہتیہ کہتے ہیں، وہ انسانی زندگی سے بہت ہی گہرا رشتہ رکھتا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا جب ہم ادب کے طالب علم تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ادب سماج کا آئینہ ہے، یعنی سماج میں جو کچھ ہوتا ہے ادب میں اس کا عکس، اس کی تصویر ہم کو نظر آتی ہے۔ تو شروع ہی سے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے قدیم ادب کو دیکھیے، پرانے ہمارے ادب کے ورثے کو ہم دیکھیں گے تو سماج کے ساتھ اس کا اتنا گہرا رشتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے انسانی شعور نے ترقی کی، نئے نئے نظریات سامنے آئے، تو پھر ان نظریات کی روشنی میں غور کیا گیا ادب اور سماج کے رشتے پر، اور یہ طے کیا گیا کہ ادب صرف حسن اور عشق اور گل و بلبل کی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، ادب صرف فرضی اور خیالی باتوں کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ادب نام ہے سماج میں انسان کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے تلخ حقائق کو، کڑوے حقائق کو پیش کرنے کا، اور ادب نام ہے انسان جن مصیبتوں سے گزر رہا ہے ان مصیبتوں کی تصویر پیش کرنے کا، ادب نام ہے انسان کے اقدار اور انسان کے کردار کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کی عکاسی کا۔ چنانچہ اس موقع پر مجھے پریم چند کے خطبے کا وہ مشہور جملہ یاد آتا ہے، جب انہوں نے ترقی پسند تحریک کی جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی پروگریسو موومنٹ کی 1936 میں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ ایک زمانے میں ادب صرف ہیومن بیوٹی، ایک خیالی محبوب، خیالی محبوبہ، اس کے حسن کی باتیں کرنے کا نام تھا، اس کے عشق اور اس کے تئیں عشقیہ جذبات کے اظہار کا نام تھا، یا اس کی جدائی میں شاعر کے دل پر جو گزرتی ہے اس جدائی کے صدمے کو بیان کرنے کا نام تھا۔ لیکن ادب میں اب حسن کا تصور بدلنا ہوگا۔ ادب صرف محبوبہ کے حسن میں نہیں ہے، حسن صرف محبوبہ کی پیکر میں نہیں ہے، بلکہ حسن اس مزدور عورت کی محنت میں بھی ہے جو اپنے چھوٹے بچے کو کھیت کی منڈیر پر لٹا رہی ہے اور خود کھیت میں کام کر رہی ہے۔ اس کی زندگی کے جو مسائل ہیں، اس کی جو محنت ہے، اور محنت کے باوجود اس کو جو حصہ نہیں مل رہا ہے، اس کی مظلومیت کے چرچے کا نام بھی ادب ہے۔ تو لہٰذا ادب کا، ادب میں حسن کا جو معیار ہے، اس معیار کو بدلنے کی بات تھی کشن پریم چند نے، اور وہ بات 1936 میں جتنی اہم، جتنی امپورٹنٹ، جتنی سچی اور جتنی معنی خیز تھی، آج بھی اتنی ہی اہم ہے، اتنی ہی معنی خیز ہے، اور اتنی ہی سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ غور کیے جانے کے قابل ہے۔ آج ہندوستانی ادب، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، ہم کو اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ یہ ادب کس حد تک آج کے سماج کی کامناؤں، ان کی امنگوں، اور خاص طور پر وہ سماج جو مین اسٹریم سے بچھڑا ہوا ہے، جو حاشیے پر ہے نہیں بلکہ حاشیے پر کر دیا گیا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اور یہ لوگ حاشیے پر کیوں آ گئے ہیں، وہ کون سی فورسز ہیں جو انسانی سماج کے ایک بڑے حصے کو مین اسٹریم سے نکال کر اس کو کنارے کر دیے ہیں، اور کنارے کر دیے جانے کی وجہ سے ان انسانوں کی زندگی کی کیا صورتحال ہے، کن مسائل سے یہ جھوج رہے ہیں، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، اگر وہ گر گیا ہے تو کیوں گر گیا ہے،
ان سارے مسائل پر ادب میں چرچا ہونی چاہیے اور ادب میں پوری قوت کے ساتھ ان کے مسائل کو پیش کیا جانا چاہیے۔ تو آج ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ادب ان سوالات کا جواب دینے کے لائق ہے، کیا ہمارا ساہتیہ میں ان مسائل کو پوری کامیابی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر پیش کیا جا رہا ہے تو ہماری بات، ادب کی بات کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور اس بات کا اثر کتنے لوگوں پر ہو رہا ہے۔ ادب اپنی بات کو پہنچانے میں، عوام تک پہنچانے میں اور اس طبقے تک پہنچانے میں، اس کلاس تک پہنچانے میں جو اس صورتحال کی ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے سماج کا بہت بڑا حصہ کنارے پر لگ گیا ہے، اس پر کیا اثر ہو رہا ہے ادب کا؟ اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمارا ادب کامیاب ہے یا ناکام؟ ہم کیوں تخلیق کر رہے ہیں؟ ہماری کریشن کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہماری کریٹیویٹی ہمارے مسائل کو کامیابی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہم کو غور کرنا ہے، ہمارے ادیبوں کو، لکھکوں کو غور کرنا ہے۔ اور یہ باتیں صرف یونیورسٹی سطح پر ہی ہو سکتی ہیں۔ یونیورسٹی جو ہے انٹلیکچوئلس کا ایک اجتماع ہوتی ہے اور یہیں پر یہ بات ہو سکتی ہے، یہیں پر ان سمسیاؤں پر غور کیا جا سکتا ہے، یہیں پر سوالات کھڑے کیے جا سکتے ہیں اور یہیں پر سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے، سوالات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہندی وبھاگ نے ایک بہت ہی اہم ایشو پر یہ اس سیمینار کا آیوجن کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ دیش کے الگ الگ علاقوں سے جو لکھک یہاں پر آئے ہیں، جو محقق، ریسرچ اسکالرس، پیپر پریزنٹرس آئے ہیں، وہ یقیناً ان سوالات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا سماج کس رخ پر جا رہا ہے اور سماج کا ایک بہت بڑا حصہ کس سطح پر زندگی گزار رہا ہے اور اس کے مین فیکٹرز کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، کیوں ہماری صورتحال ایسی ہو گئی ہے۔ ان سوالات پر یوں ہی گزر جانا نہیں ہے، ہم کو گہرائی سے غور کرنا ہے اور یہ غور و فکر اس دو روزہ سیمینار میں ہوگا اور اس کے جو پروسیڈنگس آئیں گے اسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مفید اور ثمراور ثابت ہوں گے۔ اسی کامنا کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں، بہت بہت شکریہ، پھر ایک بار مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ساہتی کی پراسنگکتا اور اس کے ادیش پر ویاپک روپ سے چرچا کی۔ اس سنگوشٹی کے بیچ ویاخیان کے لیے ماننیہ کلپتی ایگنٹو پروفیسر ٹی وی کٹیمنی جی کو ڈائس پر بلانے سے پہلے سر کا پریچے دینے کے لیے برجا تالدی پی ایچ ڈی شودھارتی کو بلانا چاہوں گا، وہ آئیں اور سر کا پریچے دیں۔ मंच पर आसीन सभी विद्वजनों और सभागृह में उपस्थित सभी प्राध्यापकों, शोधार्थी तथा विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज के इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी समारोह के अवसर पर हमारे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा वर्तमान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर टी वी कट्टीमणि जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। चंद लफ्ज़ों में सर के बारे में बता पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपका सामान्य परिचय देने की कोशिश करूंगी। आपका जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले में अलावंडी में हुआ। आपकी मातृभाषा कन्नड़ है। आपने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से ही आपका पीएचडी का कार्य पूर्ण किया। आपके कारण ही मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग की शुरुआत हुई। आप मुख्य शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने विश्वविद्यालय के प्रगति हेतु अनेक मुद्दों पर नियम लागू कर उसे सफलतापूर्वक निभाया भी है। ऑफिशियल विजिट के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाया है। सम्माननीय पॉलिटेक्निक और को अनाम्ब्रा स्टेट, नाइजीरिया यूनिवर्सिटी ऑफ एजर, क्रिस्टियन सेंट नॉर्वे आदि जैसे अनेक विश्वविद्यालय में आगंतुक के रूप में जाते हैं। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के सदस्य होने के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण संगठन समितियों के सदस्य हैं कि समाज में कोई भी परिवर्तन लाने का माध्यम केवल शिक्षा है माध्यम है। इसके अलावा मानव सेवा ही समाज सेवा, कर्म ही भगवान, इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु टी वी कट्टीमणि जी और बहुमुखी विचारक तथा अनुभवी प्रशासक भी रहे हैं। सामाजिक न्याय और आपके समर्पण, कर्म और प्रतिबद्धता के द्वारा न केवल भारत में जाति धर्म क्षेत्र से अपने गुणों की महक को विदेशों में भी फैलाया है।
20 से अधिक पुस्तक और 100 से अधिक लेख तथा अपने अनुवादकार व सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे इफ्को राजभाषा सम्मान नई दिल्ली 2011 से, गंगा शरण सिंह नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटिव ट्रांसलेशन अवार्ड 2007, कर्नाटक साहित्य अकादमी अवार्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले साहित्य रत्नों से विभूषित हुए हैं। आपका जीवन ही हम सबके लिए एक आदर्श है सर, धन्यवाद। धन्यवाद वनिता। सर को बुलाने से पहले एक छोटा सा कार्यक्रम, एक पुस्तक का विमोचन होगा जिसके लेखक हैं डॉक्टर जी वी रत्नाकर सर, उन्होंने की पार्टी सर टी वी कट्टीमणी जी को समर्पित हैं। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर जी वी रत्नाकर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। पुस्तक विमोचन मंचासीन बुद्धिजीवियों द्वारा थैंक यू सर। ये शेर हमारे गुरुजी प्रोफेसर कट्टीमणि सर के लिए। आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पर चांद कहाँ रोज उतरता है। इन पंक्तियों के साथ बीज व्याख्यान के लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर को डायस पर आमंत्रित करता हूँ, वो तशरीफ लाएं प्लीज सर। डॉक्टर एम ए सिकंदर साहब, रजिस्ट्रार मानू एंड अध्यक्ष आपकी सेमिनार इनॉग्रेशन सेशन, मेरे अजीज दोस्त डीन प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, मेरी शायद 20 बरस के मित्र हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर जय प्रकाश करदम जी, मेरे युवा मित्र हिंदी विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद मुबाशिर जफर साहब, प्रोफेसर राजू साहब जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अन्नपूर्णा हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हैं एसयू में, प्रोफेसर विष्णु सरमदे मुंबई के हिंदी विभाग के अध्यक्ष मेरे परम मित्र, डॉक्टर राम प्रकाश तिरुपति विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रमुख, श्री शांति कांतिलाल कांति प्रसाद शर्मा जी पब्लिशर हैं हिंदी के प्रख्यात पब्लिशर, इस सेमिनार के नियोजक डॉक्टर रत्नाकर जिनकी अभी अभी पुस्तक का विमोचन हुआ, डॉक्टर करण सिंह उटवाल, डॉक्टर रहीम खान पठान जी, डॉक्टर रेखा रानी के हिंदी विभाग की, डॉक्टर प्रिया, सभी प्राध्यापक मित्र, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स, अदर प्रोफेसर्स, माय फ्रेंड्स, मानो के सभी मेरे मित्र, मैं इतना खुश हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि मैं क्या बात करूँ। मुबाशिर साहब ने कहा कि इसके पहले भी करण सिंह जी के यहाँ उन्होंने एक
का सेमिनार किया था, मैंने हाँ कह दिया था, किसी कारणवश नहीं आ सका। हालांकि इस बार मैंने कर लिया था कि दो दिन मैं यहाँ रहूँगा, मैं सपत्निक रहूँगा। बात ऐसी हुई कि केवल मुझे एक दिन अभी रहना पड़ रहा है, कल सुबह जल्दी निकलना पड़ रहा है। वाइफ ने कहा कि मैं एक दिन के लिए नहीं आऊँगी। मानू के साथ मेरी बहुत ही सुनहरी यादें हैं। प्रोफेसर के अकबाल अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, कन्नड़ के बहुत ख्याति प्राप्त कवि। यदि मैं कहूँ कि हिंदी विभाग यहाँ इस यूनिवर्सिटी में खोलने का श्रेय उनको जाता है। और मुझे बुलाने का श्रेय भी उनको जाता है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं वीसी बना हूं तो उसका श्रेय मानू को जाता है और उनको जाता है। यदि मुबशिर साहब मैं कहूं हिंदी विभाग जितने भी अध्यक्ष बनेंगे वो वीसी बनेंगे। बी अवेयर ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। शीर्ष बाबू जी ने बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छा विषय को इन्होंने चुना है। और डीन साहब ने कहा कि देश के बहुत कम डिपार्टमेंट्स हिंदी के बहुत अच्छे हैं, उनमें मानव का हिंदी विभाग भी है। मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये उर्दू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग है। ये उर्दू, यदि उर्दू हम कहें कि आप उर्दू में बात कर रहे थे, मैं रजिस्ट्रार साहब को कह रहा था ये उर्दू कहां बात कर रहे, तो हिंदी में बात कर रहे हैं। यदि मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूं तो आप में से कोई इस तरह के जोक कर सकते, खट्टी मेरी कोई हिंदी नहीं आती है तो उर्दू में बात कर रहा। कोई फर्क हिंदी और उर्दू में नहीं है। एज मेंबर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं अक्सर इसी को बात कर रहा हूँ और इसी पर बात कर रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू में प्लेसमेंट की, नौकरी को पाने की ताकत सामर्थ्य को कैसे उजागर करना है। विषय डॉक्टर साहब ने यहाँ रखा है, हाशिए का समाज और साहित्य में अस्मिता के उभरते नए प्रश्न। दलित साहित्य, ट्रबल लिटरेचर और या मुस्लिम डिस्कोर्स, माइनॉरिटी डिस्कोर्स में हमेशा प्रश्न ये होता है कि हमारी अस्मिता खतरे में है, हमारी डिग्निटी खतरे में है, हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। ये इस तरह का बहुत सरल प्रश्न भी है एक ओर से, और एक ओर से बहुत जटिल है। जटिल प्रश्न इसलिए है, सरल प्रश्न इसलिए है कि हाँ, जिनका जन्म हाशिए के समाज हुआ है वो उनको बार बार ये सिद्ध करना पड़ता है कि मैं प्रामाणिक हूँ, बार बार ये कहना पड़ता है कि हाँ मैं देशभक्त हूँ, बार बार ये कहना पड़ता है कि नहीं मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं इसी देश का हूँ, इसी समाज का हूँ, इसी आबोहवा का हूँ। और कठिन इसलिए है कि केवल हाशिए के समाज के लोगों को ये सिद्ध करना नहीं पड़ता कि बार बार देश की हर प्रजा को ये सिद्ध करना, बार बार उनको ये कहना पड़ता है। मैं कुछ दिन पहले एक स्वामी जी का एक बयान पढ़ा मैंने, तो उन्होंने एक बयान दिया था पर्टिकुलर समाज को, बच्चों को ज्यादा पैदा करना चाहिए।
तो क्यों वो इस तरह का आदमी वो क्यों बयान दे रहे हैं? बयान इसलिए दे रहे हैं कि उनको अपने समाज खतरे में लग रहा है, उनकी संख्या घटने लगी है, कह रहा है। अब तक भारत की जो आबादी है इसकी जनगणना देखे तो आदिवासियों की संख्या देश में कम होने लगी है, बिकॉज ऑफ सो मेनी सोशियो मेडिकल रीजंस आदिवासियों की संख्या कम होती है, और कई लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, कई लोगों की संख्या कम होती जा रही है, और संख्या बढ़ती जा रही है उसका रीजन क्या है? संख्या बढ़ाने के लिए बढ़ती जा रही है या उन लोगों को पता नहीं कि जो हम कर रहे हैं या सही है गलत है? मैं ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आज साहित्य केवल साहित्य नहीं रह गया है, ये इट इज एन सोशल प्रोडक्ट, समाज का एक उत्पाद बन गया है। समाज में जो भी बातें होती हैं वो हमारे साहित्य में वो बातें दिखाई देती हैं। हाशिए के समाज को जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, रिसर्च स्कॉलर था, यंग टीचर था 1980 के आसपास कर्नाटक में, जहां से मैं आया हूं, वहां दलित संघर्ष समिति की स्थापना हुई 77 में हुई, 80 तक उसका इतना सोशल स्ट्रांगनेस समाज में आ गया। तो वहां एक पर्टिकुलर समाज को ही हम गाली देते थे शुरुआत में, या लोग गाली देते थे, उन्होंने हमको इस तरह ढकेला है, अस्पृश्यता का आचरण उन्होंने शुरू किया, हमारा शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, दैहिक शोषण किया, स्त्रियों का शोषण किया, हमारे श्रम का शोषण किया, बेगारी का प्रचलन किया, ये सब, हमारी भूमि को हड़प लिया, हमारे जंगल को हड़प लिया, हमारे पानी को हड़प लिया, ये सारी बातें होती थी। मैंने भी इस तरह की बहुत सारी बातें अपनी किताबों में, 4-5 किताबों में मैंने भी लिखी है। जैसे जैसे मैं यात्रा करने लगा, लोगों से मिलने लगा, लोगों से बात करने लगा, समाज मेरा दायरा बढ़ता गया, समाज का, संबंध का, पढ़ने का, देखने का, नज़रिए बदलते गए, तो मुझे लगा ये बहुत सीमित दृष्टिकोण है कि पर्टिकुलर समाज को हम कहें कि उन्होंने हमारा शोषण किया इसलिए मैं पीछे रह गया हूँ। दिस इज वेरी लिमिटेड एस्पेक्ट, और इस लिमिटेड एस्पेक्ट को प्रचार करने के लिए देश में या आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद के लोगों ने, अंग्रेजों से जो प्रभावित लोग यहाँ अभी भी चिंतन, अपनी चिंतन के लिए प्रमुख हैं, प्रखर हैं, वो हमेशा इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि पर्टिकुलर समाज ने हमें धोखा दिया, पर्टिकुलर समाज ने हमें शोषण किया, शोषण कर रहे हैं। अब यदि मैं कहूँ कि ये किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी कैबिनेट में, किसी कमेटी में हम 10 SC हैं, क्या हम 10 एक साथ काम करते हैं? नहीं। यदि 10 मुसलमान हैं, 200 मुसलमान एक साथ मिलकर काम करते हैं? नहीं। वहाँ मतभेद होता है, भिन्न भिन्न भाव होता है, झगड़े होते हैं, कभी कभी तलवार भी निकालते हैं। क्यों ये सब? इसलिए कि ये मनुष्य का स्वभाव है, मतभेद करना, डिसेंट करना मनुष्य का स्वभाव है। आप जो बोलते हैं मैं उससे आधा सहमत हूँ, आधा असहमत हूँ, मेरे अपने अभिप्राय हैं, मेरे ये मनुष्य का स्वभाव है। साइकोलॉजी, समाज विज्ञान एंड आदि बातें, बड़े बड़े चिंतक, इवन इंक्लूडिंग हेगल ने इस बात का प्रतिपादन किया। मैं आज इस सभा से, क्योंकि यंग स्कॉलर्स जो हैं, यदि मैं जो बात करूंगा, मेरे जितने भी स्कॉलर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं विभाग के बाहर के, वो उसी बात को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये उन्होंने हमारा शोषण किया, इन्होंने हमारा शोषण किया, इन्होंने हमको आगे बढ़ने से रोक दिया, इन्होंने हमारी बरकत को रोक दी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाशिए के समाज का, हाशिए के चिंतकों का, हाशिए के स्कॉलर्स का, हाशिए के नेताओं का एजेंडा क्या है? मतलब हम लोगों का आगे बढ़ने के एजेंडे क्या है? तो शिक्षा के क्या एजेंडे हैं हमारे, एजुकेशन के क्या एजेंडे हैं, और आर्थिक
एक्टिविटीज़ के क्या एजेंडे हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि देखिए वो तेलुगु भाषी हो, कन्नड़ भाषी हो, मराठी भाषी हो, हिंदी भाषी हो, हम सब अंग्रेजी माध्यम का शिक्षण अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अब इसी धुआ है वो गलत है। कैसे गलत है इसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास पेप्सी के इंटरनेशनल हेड भारत के, गूगल के इंटरनेशनल हेड भारत के हैं, कई प्रकार के एमएनसी के जिनका जिनकी सैलरी 100 करोड़ तक है ईयरली, वो सब भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, वो कन्नड़ के हैं नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति जैसे, या तेलुगु के हैं या मराठी के हैं या कई प्रकार के हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, लिटरेचर में कितने लोगों को मिला है, साइंस में कितने लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिला है, जीव विज्ञान में कितने लोगों को मिला, अर्थ साइंस में कितने लोगों को मिला है, स्पेस साइंस में कितने लोगों को मिला है, नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इस पर मैं कहूंगा हमारा सेमिनार इस विषय पर बात करें, दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जो भारतीय संजात हैं, ये हमको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला है। केवल वो नहीं, भारत के ब्राह्मणों को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला है, ब्राह्मण के रेडिगारों को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, नायडुओं को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि हमारी शिक्षा मातृभाषा में हुई नहीं। तो हम जुआलॉजी पढ़ते हैं, बोस फेलोशिप हमको मिला होगा या फोर्ड फेलोशिप हमको मिला होगा, अमेरिका के विश्वविद्यालय में हम पढ़ाते होंगे, हम पढ़कर आए होंगे, जिनकी एजुकेशन कम से कम 1 to 12 1 to 1st standard to 12th standard, जिनकी शिक्षा मातृभाषा में नहीं हुई है, अभी ये सिद्ध हुआ है कि उनको फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स ठीक से स्पष्ट नहीं होते, ठीक से स्पष्ट नहीं होते। जब स्पष्ट नहीं होते इंग्लिश में या हिंदी में, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, आप में से कई लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं तो वहां हिंदी क्षेत्र में रहते हुए कहता हूं कि हिंदी मेरे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज थी, मुझे अर्जन करना पड़ा, अर्जन करने में मेरे 50 बरस चले गए, एक भाषा को अर्जन करने में मेरे 50 बरस चले गए। और साइंस ने भी सिद्ध किया है बच्चों के मनोविज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास ओनली 1 to 6 है, 6 बरस तक उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं उनको बस में हम डिफाइन एंड रीडिफाइन करते जाते हैं। तो 1 to 6 में स्व अर्जित, रक्त से अर्जित, मां से अर्जित भाषा में हम उनको कॉन्सेप्ट सिखाते जाते, वो बच्चा वो बच्ची बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को ग्रहण करती, उसके बाद उनको एनालाइज करने की शक्ति भी उसमें आ जाती। बाबा साहेब ने जो बातें कही हैं, अब तक मैंने जो बातें हैं उनके उनकी बातों के विरुद्ध मैं बात कर रहा हूं, मुझे क्षमा, मैं क्षमा पाती हूं, लेकिन बाबा साहेब ने जो बात कही थी वो कॉन्टेक्स्ट कहां का था, समय कौन सा था, समय कौन सा था, कॉन्टेक्स्ट कैसा था, और आजादी के पहले वाली बातें, आजादी के बाद की बातें उनकी जो है आज के संदर्भ में हम दोबारा देखेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे, उनको अडॉप्ट करते वक्त और उनको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से उसको मॉड्यूल करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है। हाशिए के लेखकों को, जयप्रकाश करदम जी इधर हैं, जूठन के लेखक की जो आत्मकथा है, वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा जूठन है, कई हिंदी कन्नड़ में कई लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, मैंने 2-3 कन्नड़ आत्मकथाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, उनमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर समाज ने हमारा शोषण किया, ये किया वो किया, ठीक है, लेकिन एक हम वहाँ भूल गए, एक एक
और हम लोगों का दृष्टिकोण जाना है, ये जो भूमालिक समाज है भारत का, द लैंड होल्डिंग सोसाइटी है भारत का, वो दलितों का, आदिवासियों का शोषण कैसे कर रहा है, इस और इन लोगों का, इन दोनों का जो शोषण होता है, ये शोषण पहले इसलिए होता है कि इनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, हमारे पास लैंड होल्डिंग नहीं है। जो लैंड होल्डिंग जिनके पास है, उनके पास मेरी माँ काम करने जाती है, मेरी पत्नी काम करने जाती है, मेरी बहन काम करने जाती है, मेरी बेटी काम करने जाती है, जहाँ हमारे जवान स्त्रियाँ काम करने जाती हैं, जो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, और उनका शोषण हमेशा होता रहा है। ये क्या केवल जमीन में काम करने वाले लेडीज का ही शोषण होता है? क्या फैक्ट्रियों में काम करने वाले लेडीज का शोषण नहीं होता? क्या ऑफिसों में काम करने वाले लेडीज का शोषण नहीं होता? या कई और प्रकार के घर में घरेलू स्त्रियां जो काम करती है, हमारी बहनें, माँ, पत्नियां काम करती हैं, क्या उनका शोषण नहीं होता? इस पर हमको फोकस करना, इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस तरह हमारी विचारधारा को डाइवर्ट करने में लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान है, राम मनोहर लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। और राम मनोहर लोहिया जिस तरह वो पर्टिकुलर समाज को हमेशा टारगेट करते थे, और बहुत बड़े समाज को जिनमें बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि भारत में वसुंधरा जिसके पास है वो बहुत बड़ा भूपति है, जिनके पास जमीन ज्यादा है वो भूपति है, जिनके पास गो संपत्ति ज्यादा है वो गोस्वामी है, जिनके पास स्त्रियां ज्यादा है वो भूपति है। ये भारतीय समाज का ये रिवाज है। और पर्टिकुलर समाज को लेकर जो हम बात करते हैं, उनमें ये सब छूटने लगे थी, ये शक्ति ऑलरेडी, तो उनको लेकर फिर दूसरे लोग जो हमारा शोषण लगातार करते आए हैं, मैं जानबूझकर किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, मैं यदि ले लूं तो कई रिसर्च स्कॉलर्स हैं वही बात को लेना शुरू करेंगे और उसका दुष्परिणाम ज़्यादा होगा। मैं रिसर्च स्कॉलर्स को ये देखना चाहता हूं कि किसी भी विषय को लोहिया की दृष्टि से पढ़ेंगे, मार्क्स की दृष्टि से पढ़ेंगे, किसी और की दृष्टि से पढ़ेंगे, अम्बेडकर साहब की दृष्टि से पढ़ेंगे, बाद में हमको अपना एक दृष्टिकोण डेवलप करना होगा, अपना एक दृष्टिकोण बनाना होगा, तभी आपका रिसर्च, तभी हमारा रिसर्च वो जेन्युइन रिसर्च होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, पर्टिकुलर विषय को लेकर जयप्रकाश करदम जी ने ये कहा, कट्टीमणि ने ये कहा, रत्नाकर ने ये कहा, बाबा साहेब ने ये कहा, पर अंत तक हम पढ़े, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फिर आप क्या कह रहे हो, वो गायब रहता है। अब चार लोगों का उदाहरण देने के बाद हमको कहना पड़ेगा, मेरा मत है कि कट्टीमणि ने गलत कहा, ये आपको अधिकार है। जयप्रकाश करदम जी आधा गलत है, या और एक बाबा साहेब पूरा सही है, ये अधिकार रिसर्च करने वाले को, रिसर्च स्कॉलर को वो मुहैया है। इसका सदुपयोग आप में से कई लोग बिल्कुल नहीं करते। उसका कारण हम ही हैं। हम जो सुपरवाइजर बन के बैठते हैं, हम अक्सर अपने चश्मे से ही आपको दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, या प्रोफेसर होते हैं हम, ये करते हैं, और जिससे ओरिजिनल रिसर्च कभी बाहर निकल कर नहीं आता। ये विभाग मेरा विभाग है, यहाँ रहते हुए मैं अपने बच्चों को कहा करता था, आज भी कहा करता हूँ, आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको अपना टेक्स्ट बुक छोड़कर बहुत कुछ पढ़ना है, आपको बड़ा आदमी बनना है। क्लास में आप 4 घंटे बैठेंगे तो लाइब्रेरी में उसको दुगना, मतलब 8 घंटे आपको लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा। लाइब्रेरी से बहुत बड़ा टीचर और कोई नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में जहाँ मैं कुलपति हूँ, वहाँ एवरी इवनिंग लाइब्रेरियन अपलोड करता है वेबसाइट में, हाउ मेनी टीचर्स अटेंडेड टुडे लाइब्रेरी, हाउ मेनी रिसर्च स्कॉलर्स अटेंडेड लाइब्रेरी, हाउ मेनी सीनियर्स अटेंडेड लाइब्रेरी, हाउ मेनी जूनियर्स अटेंडेड लाइब्रेरी, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है।
मुझे कुछ थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। और मैं कहता हूँ रईसा साहब, इसकी शुरुआत आप इस विश्वविद्यालय में करेंगे। हमारे पास 30 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उससे जुड़ा हूँ। मैं प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन मुझे मालूम होता है कि कितने टीचर्स प्रेजेंट हैं, कितने टीचर्स एब्सेंट हैं, और कितने टीचर्स ने क्लास लिया, कितने टीचर्स ने क्लास नहीं लिया, कोई और दूसरी जिम्मेदारी है, और बच्चे क्या बोलते हैं उस डिपार्टमेंट को लेकर, उस टीचर्स को लेकर। ये कुलपति को, ये कुल सचिव को मालूम होना जरूरी है, विभाग के प्रमुख को भी मालूम होना जरूरी है, डीन साहब को भी मालूम होना जरूरी है। यहाँ हिंदी विभाग के टीचर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बड़े ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं। फेसबुक में मैं सभी से जुड़ा हूँ, और कभी कभी जिस इशू को लेकर कम सेंसिटिव होना था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ मैं देखता हूँ। आज सुबह एक 1.5 घंटे मैंने सुबह वॉकिंग किया कैंपस में, हर पेड़ पौधे, हर बिल्डिंग मैंने देखा। पेड़ जो मेरे समय में छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अब पंछियाँ उन समय में कम थी, अब पंछियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, पक्षियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। उस समय में मोर बहुत ज़्यादा थे, मोर की संख्या कम हो गई है, मतलब सांप की संख्या ज़्यादा हुई होगी। इको बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ नेचर जो है, उसको आप सभी को स्टडी करना चाहिए। मैंने देखा हिंदी विभाग का कोई रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट कोई दिखाई देंगे, कोई दिखाई नहीं दिए वाकई में। ये विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। मैं वहाँ या कहीं भी मैं देश के बाहर जाता हूँ, I love to tell everybody, Manu has made me vice chancellor. I have worked with two legendary vice chancellors, Professor Pathan and Professor Mohammad Mia, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। 9:30 बजे सुबह मैं घर से निकलता था, 9 बजे घर वापस जाता था, बीच में 1-2 घंटे मैं बहुत परेशान था काम करते करते। अब मैं लोगों से जो वहाँ काम लेता हूँ उनको ये कहानी बोलता हूँ। मैंने कहा कि इतना मैंने काम किया, वहाँ के कुलपतियों ने मुझसे इतना काम लिया, जिसके कारण मैं कुलपति बन गया। आप कुलपति बनना चाहोगे, काम के बगैर आप कुलपति नहीं बन जाओगे। जो घोड़ा दौड़ने की आदत रखता है, वही घोड़ा आगे भी दौड़ेगा। जो घोड़ा अस्तबल में खड़े होकर दाने खाने की आदत रखता है, अंत में उस घोड़े को दाने भी नहीं मिलेगा, अस्तबल भी नहीं मिलेगा, शुगर हो जाएगा। तो ये विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय, एक्चुअली यंग यूनिवर्सिटीज में काम करने का तजुर्बा ये होता है, वी विल ग्रो अलॉन्ग विथ यूनिवर्सिटी। हमारा विश्वविद्यालय जब मैंने ज्वाइन किया, इट वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, नाउ इट इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड, नाउ इट इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। अब मैं कम से कम वहाँ 10 लोगों को इस तरह मैंने प्रोफेसर लोगों को तैयारी करा दी है कि ये अनदर 5 ईयर्स में इन 10 को आई विल सी एज वाइस चांसलर। एक कुल सचिव को, एक कुलपति को, एक डीन को इस तरह की नज़रिया होना जरूरी है। और आप लोगों की भी ये ताकत होनी चाहिए कि यस, आई एम हियर टू बिकम वाइस चांसलर। मैं जन्म से खुद आदिवासी हूँ, नो गॉड फादर नो गॉड मदर। और यदि कोई कहे कि कट्टी मिनी तुम्हारा गुरु कौन है, कोई नाम नहीं जिनको मैं बोलूं कि वो मेरा गुरु है, लेकिन मैं बोलता हूं मेरे गुरु लाइब्रेरी है। यदि कोई पूछते हैं कि यू आर ए गुड फेलो, इन विच यूनिवर्सिटी यू हैव स्टडीड, आई यूज टू टेल पीपल दैट आई हैव स्टडीड इन ए ग्रेट यूनिवर्सिटी, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी ऑफ पॉवर्टी।
गरीबी का विश्वविद्यालय दुनिया का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे रेशार साहब, किसी प्रोफेसर का बेटा उर्दू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, तहसीलदार का बेटा उर्दू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, मंत्री का बेटा विश्वविद्यालय में, वो मुसलमान क्यों ना हो, वो हमारे विश्वविद्यालय में उर्दू विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ता। गरीब तबके के उर्दू समाज के बच्चे उर्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। सेम थिंग हमारे विश्वविद्यालय में भी, आदिवासी विश्वविद्यालय में कोई पढ़ते हैं जहाँ मैं कुलपति हूँ, कोई सब इंस्पेक्टर का बेटा भी वहाँ, बेटी भी वहाँ नहीं पढ़ती, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय ढूंढते जाते हैं। यहाँ गरीब तबके के, वहाँ गरीब तबके, उस समाज के गरीब तबके के ही बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने आएंगे, तो इन लोगों को बड़ी हमदर्दी से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से देखना, इनके साथ व्यवहार करना बहुत जरूरी है। मे बी फोर ईयर्स आई वॉज चीफ वार्डन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। जो मैंने देखा कि बड़े बहुत गुस्से में बच्चे मुझसे बात करते थे, जब बात करें तो हॉस्टल में जाए तो एक वार्डन थे मेरे समय में, बच्चे उनसे पूछते सर आइए बात करना है, वो बोलते थे मुझे नमाज पढ़ना है। किसी भी समय में तो मैं तैयार रहता था। धीरे धीरे आई स्टार्टेड कमिंग टू नो दैट ये इन बच्चों की साइकी क्या है। इन बच्चों की साइकी केवल सो सिंपल, गरीब तबके के बच्चों की साइकी इतनी है कि उनको बहुत कुचला गया है, दबाया गया है, बोलने नहीं दिया है, अब वो बोलना चाहता है, अब वो गाली देना चाहता है, अब वो एक्सप्रेस करना चाहता है। लेट देम एक्सप्रेस, गाली देना चाहता है तो कान बंद कर लो, गाली देने दो, गाली देने दो। मैं अक्सर पर्टिकुलर समाज राज्य के बच्चे यहां ज्यादा थे उस समय में, तो वो हमेशा झगड़े पर तुला रहते थे। मैंने कहा कि चलो बोलो, झगड़ा करो। तो एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे बाद मैं बोलता कि हाँ अब बोलो, और क्या बोलना सर, आप बोलो। सब एग्जॉस्टेड। तब मैं बोलता सुधरेगा, धीरे धीरे सुधरेगा, क्योंकि दिस इज सिस्टम। आपके घर में दाल कैसी होती है, आपके घर में सब्जी कैसी होती है, आपके घर में मुर्गी कैसी होती है, आपके घर में जो नहीं होती वो सब यही खाना चाहते हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय में हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है, बच्चे आते हैं तो मैं कहता हूं आप इधर खाने आए कि पढ़ने आए। यदि खाने आए हैं तो यहां से जाने के बाद कौन खिलाओगे यार तुमको, तो इधर पढ़ो, कमाओ, शादी कर लो, खिलाएंगे। नहीं तो नौकरी करने वाले से शादी कर लो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम खिलाओ। बिकॉज खाना बनाना भी एक कला है, खाना बनाना अब स्त्रियों का काम नहीं है, अब केवल हम सबका काम है, हम सबका काम। मैं अपनी पत्नी के बारे में, कोई पूछते हैं आपकी पत्नी क्या करती है, मैं कहता हूं कि वो मेरी पत्नी ने मुझे बनाया, शी हैज मेड मी, शी इज माई मेंटर। भारत की हर स्त्री अपने परिवार के मेंटर होती है, परिवार की वो मेंटर होती है। हाशिए का समाज का साहित्य स्त्री को हमेशा उच्च स्थान पर देखता है। इतना मैं कहकर आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल, सी यू ऑल, एंजॉय द वेदर, फूड। कल दो दोस्तों को रात में मैंने बुला लिया था, दो घंटे हम गप करते रहे, पुरानी बातें याद करते करते। अब ये विश्वविद्यालय के साथ मेरी बहुत ही सुनहरी यादें हैं। मेरे 5 बरस टर्म ख़त्म होने के बाद भी मुझे 2 बरस इधर आकर काम करना पड़ता है, यदि आप लोगों की दुआ है तो और कहीं जाना पड़ता है। और हम जैसे लोग, आई एम ए ट्राइब एंड आई एम ए रेगुलर ट्रैवलर,
घुमक्कड़ हों, कहीं भी जाने के लिए तैयार हों। कोई मुझे बता रहे थे MHRD के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, अरे यार कटे में नहीं, तुमने तो वो विश्वविद्यालय अच्छा बना दिया, हम सोचते हैं कि वहाँ भेजें आपको, जहाँ आदमियों का खून कत्ल आसानी से किया जाता है उस जगह। तो मैंने कहा कि सर आई एम हैप्पी टू गो देर बिकॉज यू फील दैट माई सर्विसेज आर नेसेसरी देर, आई एम हियर टू सर्व माई कंट्री। इन चंद चीज़ों के माध्यम से मैंने अपनी बातें आपके समक्ष रखी। और मिट्टी की पार्टी किताब डॉक्टर रत्नाकर ने लिखी, डॉक्टर रत्नाकर तेलुगु और हिंदी में लगातार लिखते रहे हैं। हमारे विभाग में की खूबी ये है कि जो चार लोग हैं, चारों को तेलुगु आती है, चारों को दक्षिणी आती है, करण सिंह तो दक्षिणी के माहिर हैं और हिंदी बहुत अच्छी तरह आती है, और दोनों में कम से कम दोनों भाषाओं में आप अनुवाद कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। डॉक्टर जी वी रत्नाकर को इस अच्छी किताब लिखने के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक मेरी बातें सुनी। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरह बातें नहीं रखी, आप लोगों ने ताली इसलिए बजाते रहे, कट्टी मनी का हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तालियां हमेशा मुझे इसी तरह है। इंशाल्लाह भगवान आपको और मुझको भी आशीर्वाद आगे बढ़ाते रहे। इन चंद चीज़ों के माध्यम से मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद अर्पण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने अनुभव और साहित्य के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश कदम जी को डायस पर बुलाने से पहले लेखक का परिचय देने के लिए मैं रुखसाना बेगम MA की छात्रा को बुलाता हूँ कि वो आए और मुख्य अतिथि का परिचय दें। डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम जी का जन्म 5 जुलाई 1958 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले इंदरगाड़ी में हुआ। सन 2000 में राग दरबारी का समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय में मेरठ विश्वविद्यालय से आपने अपना PhD का कार्य पूर्ण किया। दलित साहित्य के एक स्तंभ समान आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप एक प्रतिष्ठा संपन्न लेखक, अच्छे वक्ता एवं चिंतक भी हैं। अपनी कार्यशैली के कारण समाज में तथा साहित्य के क्षेत्र में आपका प्रतिष्ठान एवं मान है। दलित समाज की समस्याओं को सामाजिक मंचों से तथा साहित्यिक मंचों से उठाते रहे। दलित आपके साहित्य से आपका व्यक्तित्व पहचान होता है। आपकी प्रसिद्ध कविता गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, बस्तियों से बाहर, प्रसिद्ध उपन्यास छप्पर, करुणा, शमशान का रहस्य तथा प्रसिद्ध कहानी संग्रह तलाश, खरोंज के अलावा कई आलोचनात्मक और वैचारिक साहित्य के भी रचयिता हैं। इसके अलावा कई पत्रिकाओं के संपादन तथा अन्य अनुदित और संपादित पुस्तक भी हैं। आपका पूरा जीवन ही हास्य के समाज के लोगों के लिए समर्पित है। आपके साहित्यिक योगदान के कारण आपके साहित्य के ऊपर न केवल शोध कार्य चल रहा है, बल्कि आपके ऊपर कई आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी जा रही है, जैसे दलित साहित्य की वैचारिक और डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम, लेखक शील बोधि, डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम दलित अभिव्यक्ति संवाद और प्रतिवाद, संपादक रूपचंद गौतम इत्यादि। आपके साहित्यिक जीवन के लिए आपको कई सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे हिंदी सेवी सम्मान फाउंडेशन दिल्ली के तरफ से, नेशनल अवार्ड्स मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी की तरफ से, डॉक्टर नेशनल अवार्ड भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली की तरफ से, जूनियर फेलोशिप संस्कृति मंत्री भारतीय सरकार के तरफ से, फेलोशिप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया UP के तरफ से,
साहित्य सरस्वत सम्मान अश्मिता दर्शी साहित्य अकादमी की तरफ से, कबीर सम्मान भारतीय दलित साहित्य अकादमी की तरफ से, सत्य शोधक सम्मान मुंबई की तरफ से, सम्यक सम्मान सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली की तरफ से, काव्य चक्र सम्मान दलित साहित्य परिषद लखनऊ की तरफ से आपको कई सम्मान मिले हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, हिंदी साहित्य के धारा में दलित साहित्य में आपका नाम प्रज्वलित दीपक समान है, जो अन्य उभरते नए साहित्यकारों को आपके ज्योति के लौ समान प्रकाशित कर रहा है। धन्यवाद। शुक्रिया रुखसाना। इन पंक्तियों पर आप सभी का ध्यान चाहूंगा। आईना हूं तेरा क्यों इतना कतरा रहे हो, आईना हूं तेरा क्यों इतना कतरा रहे हो, सच ही कहूंगा क्यों इतना घबरा रहे हो। इन पंक्तियों के साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर जयप्रकाश कदम जी को डायस पर आमंत्रित करता हूं। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर एम ए सिकंदर साहब, कुल सचिव मानू के, और अभी जिनका बीज वक्तव्य इस संगोष्ठी के बारे में हमने सुना, मेरे अजीज मित्र प्रोफेसर कट्टी मनी साहब मंच पर आसीन, डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुहसिर साहब, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फारिस साहब, डॉक्टर शेष बाबू और मेरे सामने बैठे लोगों में मुंबई से हमारे मित्र पधारे प्रोफेसर विष्णु सरवदी जी, प्रोफेसर राम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर सर राजू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, रत्नाकर जिनकी किताब का लोकार्पण हुआ, और भी बहुत सारे मित्र जो अलग अलग विश्वविद्यालयों से मानू से और दूसरे विश्वविद्यालयों से आए हैं और विद्यार्थी वो सब, और सबसे अलग कांति प्रसाद शर्मा जी जो शिल्पायन प्रकाशक के मालिक हैं और जो 20 साल पहले से निरंतर मुझे ये कहते रहे कि तुम क्या बकवास लिखते हो, तुम भी कोई लेखक हो, और वो इतना झगड़ना मारने पीटने वाले आदमी ये हैदराबाद में थे, इन्हें पता चला मैं आया हूँ तो यहाँ मुझसे लड़ने के लिए चले आए हैं, लेकिन यहाँ मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हैं। तो आप सबको मेरा हार्दिक नमन अभिनंदन, सबको जय भीम, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग। मित्रों, अभी दो महत्वपूर्ण व्याख्यान आप लोगों ने सुने हैं, प्रोफेसर नसीमुद्दीन साहब का और प्रोफेसर कट्टी मनी साहब का, और मैं समझता हूँ इस विषय पर जो पूरी भूमिका पूरी प्रस्तावना और इसके बहुत सारे जो डायमेंशन हो सकते हैं उन पर एक बहुत ही कह सकता हूँ मैं काबिल तारीफ उन्होंने अपने विचार यहाँ रख दिए हैं, और मैं इस दुविधा में हूं कि मैं क्या कहूं। देखिए, जब भी हम हाशिए की बात करते हैं, हाशिए की समाज की बात करते हैं, तो पता नहीं लगता मुझे जैसे कि हम कभी कहीं गफलत में बात कर रहे हैं, उसमें हम क्लैरिटी हमारे ऊपर पास है कि नहीं, हम कितने क्लियर हैं, हम हाशिया किसे समझते हैं, क्योंकि ये हाशिया या सबाल्टर्न शब्द हमारे यहाँ 90 के दशक के बाद आया है, उससे पहले ये सबाल्टर्न शब्द हमारे यहाँ नहीं था। ये ग्रामसी का दिया हुआ शब्द है, ग्रामसी की अपनी संकल्पना है और उनकी संकल्पना अपने उस समाज को लेकर के जहाँ के ग्रामसी रहने वाले हैं, जिस समाज में वो जिए हैं, जिस समाज में वो पढ़े बड़े हुए हैं, जिस समाज में उन्होंने संघर्ष किया है, जिस समाज के साथ उनकी एक निरंतर जद्दोजहद हुई है, जैसा उन्होंने समझा है। क्या ग्रामसी का समाज और हमारा समाज एक है? ये एक सवाल यहाँ हाशिए को लेकर के होता है। मुझे लगता है कि ग्रामसी के समाज में गरीब अमीर का भेद है,
कुछ और लोगों के बीच भेद है, और वहाँ जिस लोगों को वो सबाल्टर्न कह रहे हैं जो हाशिए पर है, चाहे वो सुविधाओं से वंचित कोई समाज है या आर्थिक दृष्टि से आधार पर वो कोई पिछड़ा समाज है या और दूसरा कोई ट्राइबल सोसाइटी वहाँ हो सकती है, वो एक हाशिए का समाज हो सकता है। भारतीय समाज की संरचना एक विचित्र तरीके की है। हमारे यहाँ केवल हम श्रमिकों को, गरीबों को, मजदूरों को ही सबाल्टर्न नहीं मान सकते। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रोफेसर कट्टीमणि जी ने महिलाओं को लेकर के, कि यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा हाशिए का एक समाज स्त्री है। है क्या कि हाशिया, ये हाशिए का समाज आया हाशिए से। हाशिया यानी कि जो एक हमारे दो तरह का समाज है, दो तरह के वर्ग हैं, एक जिसका प्रभुत्व है, वर्चस्व है, और एक वो जो उसके द्वारा धकेल दिया गया है, हाशिए पर चला गया है। जैसे हमारे गांवों की संरचना में एक विशेष जातियां हैं जो गांव के मुख्य गांव का हिस्सा नहीं हो तो हाशिए पर होती हैं, बाहर होती हैं, वो एक हाशिए का समाज है। वो उस गांव के नाम के साथ उनके साथ जुड़ा हुआ है कि उस गांव का बासिंदा है, उस गांव का रहने वाला है, लेकिन उस गांव के हाशिए पर है, वो उस गांव की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये दलित समाज है, आदिवासी समाज है, घुमंतू समाज है, स्त्रियां हैं, थर्ड जेंडर से हम कहते हैं वो समाज है, ये सब हाशिए के समाज हैं। और यहाँ धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समाज भी उस हाशिए का हिस्सा है। कुछ समाज, पूरी तरह से नहीं कहता हम समझेंगे, कुछ जगहों पर वो भी हाशिए का समाज है। यानी कि जो उस वर्चस्व वाली वर्ग का समाज के उत्पीड़न का, शोषण का, उसके दमन का शिकार है, वो हाशिए का समाज है। तो जब हम हाशिए के समाज और साहित्य की हम बात करते हैं और उनकी अस्मिता की हम बात करते हैं, उसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो हमें एक बड़ा एक हमारे पास एक एक एक, एक हमारी दृष्टि बहुत एक खुली और व्यापक होनी चाहिए। विमर्श को लेकर हमारे यहाँ चर्चाएं बहुत होती हैं, सेमिनार बहुत होते हैं, लिखते भी हैं हम, हमारी किताबों के नामों पे भी विमर्श आता है खूब, दलित साहित्य विमर्श, आदिवासी विमर्श, ये विमर्श। लेकिन विमर्श की अभी मेरी अपनी समझ है, क्योंकि मैं उतने ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, और क्या कहूँ मैं कि मैं जब विश्वविद्यालयों में कहीं जाता हूँ और जब मैं आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के से सुनता हूँ और जब मैं लाइब्रेरी में बैठने की बात सुनता हूँ कि तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के हम पढ़ें या क्लासरूम में प्रोफेसर पढ़ाएं और वहाँ हम पढ़ें, तो मुझे अपना जीवन याद आता है कि मुझे तो कभी ये नसीब ही नहीं हुआ कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता, मैं आप लोगों की तरह क्लास में पढ़ सकता। मैं तो 7वीं क्लास पढ़ने के बाद से ही मजदूरी करने लगा। मैं तो 5 रुपये रोज मजदूरी करता था, उसके बाद स्कूल जाता था। स्कूल में अध्यापक लोग अटेंडेंस लगाते थे, जब मजदूरी नहीं मिलती थी स्कूल जाता था, ऐसे ही कॉलेज में नाम मात्र के लिए एडमिशन होता था, एक बार लाइब्रेरी जाके किताब ले आता था वो पढ़ लेता था, फिर लाइब्रेरी जमा करने चला गया फिर ले आता था, एग्जाम के समय में वो किताबें लाइब्रेरी में जमा हो जाती थी, बिना किताब की परीक्षा देता था। उस तरह से अध्यापकों का बड़ा सहयोग रहा, मेरे प्रोफेसर लोगों का भी, तो मैं तो उस तरह से पढ़ा। और इसलिए मेरी जो असली यूनिवर्सिटी, जो अपना स्कूल रहा, वो समाज ही रहा। मैंने जो पढ़ा समाज में पढ़ा या स्वाध्याय से पढ़ा, अपने आप किताबें ले लेकर के। तो इसलिए मेरी उस तरह की समझ नहीं हो सकती अकादमी की या उस तरह की जैसी आप लोगों की है। मैं एक सामान्य व्यक्ति, एक समाज में जैसा रहता है, एक सामान्य लेखक, मेरी एक अलग दृष्टि। तो विमर्श को लेकर के मेरा अपना ये, विमर्श की हमारे यहाँ कोई एक मुकम्मल परिभाषा नहीं है। हम किसे विमर्श कह रहे हैं, विमर्श है क्या, क्या केवल हम उत्पीड़न का आख्यान लिख दें, क्या उससे विमर्श बनता है, क्या केवल हम अन्याय का, शोषण का या उत्पीड़न का इतिहास लिख दें, क्या उससे विमर्श बनता है, वो विमर्श हो जाता है, या इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं विमर्श में।
मुझे लगता है कि विमर्श में इतिहास बोध होता है, बिना इतिहास बोध के हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसकी जो धुरी होती है वो होती है यही अन्याय, उत्पीड़न या जो अपमान, शोषण, जो कुछ भी हमारा है, ये उसकी धुरी है, और इसके साथ इतिहास बोध मिलकर के विमर्श का निर्माण शायद होता है, क्योंकि उस विमर्श में संघर्ष भी है, उसमें जिजीविषा भी है, उसमें हमारी इच्छाएं भी हैं, हमारी आकांक्षाएं भी हैं, हमारे सपने भी हैं, उन सबको मिलकर के एक डिस्कोर्स बनता है, विमर्श बनता है। एक हास्य का व्यक्ति, हास्य का समाज क्या सोचता है, वो उसका इतिहास बोध क्या है, उसको इतिहास से कितनी, वो इतिहास कितनी ताकत देता है, ये उस पर दृष्टि डालता है उस इतिहास से, फिर वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, इस इतिहास में मैं कहां हूं, फिर वो अपने आप को तलाशने की कोशिश करता है, मैं कौन हूं, मैं क्या था, आज मैं कहां हूं, इन सब के कारक क्या हैं, इनके रीजन का कौन इसके कारण है, इन सब चीजों को खोजने की कोशिश वो करते हैं। ये सब विमर्श का हिस्सा बनती है, यहां से डिस्कोर्स बनता है। और मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में कई तरह की अस्मिताओं के आंदोलन, कई तरह के अस्मिताओं के संघर्ष भी मैं कह सकता हूँ, और कई तरह की अलग अलग अस्मिताएं भी उभर रही हैं, जो साहित्य के माध्यम से भी, लिटरेचर में भी आ रही हैं। लेकिन ये जो हमारी जो आइडेंटिटी या अस्मिताएं हैं, क्या ये हमारी मुकम्मल अस्मिता हैं या हमारी ये खंडित अस्मिताएं हैं, ये भी आज के समय में एक सवाल है। और मुझे लगता है कि इस अस्मिता विमर्श में ये एक बड़ा सवाल है कि हमारी अस्मिताएं मुकम्मल अस्मिता नहीं है, ये खंडित अस्मिताएं हैं, और इस खंडित अस्मिताओं का लाभ वो वर्चस्व वाली वादी वर्ग वो उठाता है, और इसलिए ये अस्मिताएं ताकत बनकर नहीं उभर पाती, अपने आप को ठीक से एग्जिस्ट नहीं कर पाती, और कोई भी आंदोलन वो कुछ दूर 10-20 साल चलने के बाद में वो हांफने लग जाता, ठहर जाती है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कट्टीमनी साहब कह रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मैं उनकी दो बातों सहमत नहीं हूं, मैं शोधार्थी नहीं हूं, लेकिन भाई अब आप लोगों के बीच रह के इतना तो मैं सीखता हूं कि मुझे कब सहमति देनी चाहिए और कब कहां असहमति देनी चाहिए। मैं एक तो इस बात से सहमत नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जब इसको हाशिए के समाज की अस्मिता को समझने के लिए कि हम केवल अंबेडकर पर ठहर जाते हैं कि उनका समय, उनका समाज, उस समाज की परिस्थितियां अलग थी, निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्या वो समाज बदल गया है, अब वो समाज नहीं है जब समाज का तैसा था, क्या वो हालात जैसे थे तब अब बदल गए हैं? यदि नहीं बदले हैं तो अंबेडकर और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने रिलीवेंट हैं जितने तब थे, आज भी। यदि अंबेडकर के विचार केवल 50-60 साल में हम कहते हैं कि रिलीवेंट हो गए हैं, वेद हजारों साल पहले की रचना है, वो आज तक रिलीवेंट कैसे हैं? आज तक हम कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ, हम हर तरह वेद वेद से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, और हमारा पूरा भारतीय चिंतन ब्रह्म, ब्राह्मण और वेद पर अटक जाता है, उससे आगे बढ़ने को हम तैयार नहीं होते। और ये कहना कि भाई एक किसी वर्ग विशेष को जनसंख्या, एक उन्होंने जनसंख्या रहा कट्टीमन साहब, उससे मैं सहमत नहीं हुआ कि एक वर्ग कहता है जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। जनसंख्या कोई वर्चस्व का आधार नहीं होता कि किसी एक वर्ग या जाति की या समुदाय की जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो इससे उसका समाज में वर्चस्व हो जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो इस देश में 3% ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों होता? कभी भी नहीं होता, उनकी जनसंख्या सबसे कम है। दलितों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आदिवासियों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, हाशिए के समाज की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, फिर भी वो हाशिए पर क्यों है?
जनसंख्या कुछ नहीं है भाई, होता है हमारी मानसिकता, हमारा मानसिक रूप से यदि हम इतने कॉन्शियस नहीं है, हमारे अंदर इतनी अवेकनिंग नहीं है, हम इतने जागरूक नहीं हैं, हम ये पहचान सकें कि हम हमारा शोषण क्यों हो रहा है, हम आज इस स्थिति में क्यों हैं, हम आज क्यों एक भिखारी की तरह, हम आज क्यों याचक बने रहते हैं, और हमको हम यदि इतने जागरूक नहीं हैं कि जो इतिहास, जो समाजशास्त्र, जो राजनीति, जो धर्म, जो कुछ पढ़ाया जाता है ये कितना उपयोगी हमारे लिए है, कितना हमारे साथ, कितना हमें स्पेस देता है, कितना हमारे साथ न्याय करता है, जस्टिस करता है, या हम यदि ये नहीं समझ पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूरे सिस्टम की एक फेल्योर है, ये पूरे उसकी असफलता है। और उसका कारण ये है कि ये विमर्श ना बन पाने के या अस्मिताओं का एक मुकम्मल ना होने का या उनके अंदर एक सही चेतना ना होने का, कि जैसे कट्टी मनी साहब ने कहा, बहुत ही एक उसका मैं बहुत समर्थन कर रहा हूं कि एक बच्चा 1 to 6 यानी 6 साल तक बहुत सीख लेता है। आजकल 2.5-3 साल के बच्चे को प्रेप या नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है, उससे पहले 5 साल के बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता था, आदि भेजा जाता है। और हमारे यहाँ कोई भी स्कूल हो पूरे देश भर में, चाहे वो किसी भी धार्मिक का, समुदाय का, कोई भी मान्यता का, कहीं भी कोई हो, उस स्कूल में बच्चे को स्कूल में जाते ही सबसे पहले उसको प्रेयर स्थल पर यानी कि धर्म की शरण में फेंक दिया जाता है। उसका विकास हम एक खास ढांचे में उसका करने लगते हैं। उस बच्चे को स्कूल जाएगा, एक स्कूल है, कहीं मंदिर में जाएगा, कोई गिरजे में ले जाएगा, कोई चर्च में ले जाएगा, कोई मस्जिद कहीं ले जाएगा, उसको हम उसको एक नागरिक बनाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू नहीं होती, उसे धार्मिक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट ना होकर के हम एक थियोक्रेटिक सोसाइटी बनने की ओर चले जाते हैं। अब ऐसे में हम कैसे कहें उसकी चेतना का विकास हो जाएगा, कैसे वो उस तंत्र से बाहर आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ के एक स्वतंत्र देश होने के बावजूद और एक रिपब्लिक होने के बावजूद, हमारा अपना संविधान है, हम राजनीतिक रूप से हम संविधान द्वारा शासित हैं, लेकिन समाज में हम धर्म द्वारा शासित हैं। और समाज में धर्म की सत्ता इतनी मजबूत है कि वहां संविधान बहुत कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण यह देखने को मिलता है जब किसी विधानसभा में या लोकसभा में जब कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच से चुन करके जाते हैं तो वो ईश्वर की शपथ लेकर के वहां वो लेता है, वो संविधान के प्रति निष्ठावान उतना नहीं होता जितना वो अपने ईश्वर का या गॉड का या जो भी कह लीजिए उसके प्रति आस्थावान होता है। इसीलिए हमारे यहां जो एक पूरा समाज का ढांचा होना चाहिए था वो ढांचा उस रूप में विकसित नहीं हो रहा। और ये पूरा इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि अस्मिताएं हैं ये खंडित अस्मिताएं आ रही हैं, ये मुकम्मल इसलिए नहीं हो रही कि वो जो असली जड़ है, हम इस बात पर बहुत गर्व कर रहे हैं कि हम तो पूरे वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, पूरी दुनिया में हम विश्वगुरु हैं और हमने पूरी दुनिया को पूरी सबको एक माना है, पूरी वसुधा हमारा एक कुटुंब है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी वसुधैव कुटुंबकम की हम जीने वाले लोग, उस पर एक गर्व करने वाले लोग, हम जातियों, उपजातियों, वर्णों, कहां कहां कितने कितने नहीं बटे हुए हैं। तो हम अपने घर में इतने बटे हुए हैं कि हम एक दूसरे को कहते हैं कि ये अनटचेबल है, ये अलग है, ये हास्य का है, ये हमारा हिस्सा नहीं है ना, उसके साथ हम मानवीय व्यवहार नहीं करते, उसे मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। और एक तरह हम कह रहे हैं कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है, हम तो पूरे सबको एक मानते हैं, हमारे यहाँ एक आत्मानुवाद भी है, हम पूरे मनुष्य को सबको एक मानते हैं, हम सारा एक पड़ा। तो ये इतने खंडित विचारों के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक समाज कैसे बनाएंगे। मुझे कहते हुए बहुत दुख है लेकिन मेरी व्यवस्था है, मेरी मजबूरी है कि मैं कहता हूं कि हम जिसे समाज कहते हैं हम वास्तव में समाज नहीं है, हम
वी आर नॉट ए सोसाइटी, वी आर ए कास्ट सोसाइटी और ए कम्युनल सोसाइटी। हम या तो अलग अलग समुदायों के समाज हैं या अलग अलग जातियों के समाज हैं, मुकम्मल समाज नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर होना, समाज बनने के लिए हमारे अंदर समानता का होना बहुत जरूरी है। हम समान हो गए तब समाज बनेगा ना, और हम अपनी अपनी जातियों के संप्रदायों के दड़बों में बंद हैं। हम वहां से बांध लगा रहे हैं कि सवेरा हो जाएगा, इंसानियत आ जाएगी, नहीं आएगी। ये दड़बे हमको बाहर, हमको इस, ये दड़बे घुटन भरे हैं। यहां कोई जाली नहीं है, कोई हवा रोशनदान नहीं है हवा आने के लिए भी। इतने बंद दड़बे हमको बंद रखते हैं और वो हमें सिखा रहे हैं कि नहीं, हमें उससे नहीं मिलना, हमें उससे नहीं मिलना, हमें इससे नहीं मिलना। इसलिए हम कितने लिबरल हों, कितने ही हम अपने आप में बड़े प्रगतिशील हों और हम कहते हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, लेकिन जब अपने बच्चों की हम शादियां करेंगे तो हम अपनी अपनी जातियों में जाकर के करेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे हम। ये सबके साथ है, ये उन अंबेडकरवादियों के साथ भी है। अंबेडकर जाति विहीन समाज और वर्ग विहीन समाज चाहते हैं, और पूरा जितना भी ये अस्मिताओं का जो विमर्श है इसके केंद्र में अंबेडकरवाद है, अंबेडकर की थ्योरी है, उनके सिद्धांत हैं। लेकिन अंबेडकरवाद की थ्योरी को मानने वाले लोग ही व्यवहार में उस थ्योरी को ध्वस्त कर रहे हैं। इसलिए मैं इस विचार का बड़ा खुला समर्थक हूं। कुछ लोग, क्योंकि मैं हैदराबाद में बहुत बार आ चुका हूं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी, मानू में भी, इफ्लू में भी, यहां भी दूसरा मौका मेरा है, और जो पहले जिन लोगों के साथ संपर्क हुआ शायद वो मेरे थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं इसका खुला विचार हूं कि जो युवा लोग हैं उन्हें प्रेम करना चाहिए। वो प्रेम करेंगे तो वो जातियों की, संप्रदायों की दीवारों को वो तोड़ सकते हैं, वरना तो माँ बाप तो अपने बच्चों के साथ ही अपनी जातियों संप्रदायों में ही करेंगे, वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे। वो उनके माँ बाप उनके सामने झुक जाएंगे, उनमें साहस है, युवा उसमें साहस होता है, वो हिम्मत कर सकता, हौसला रख सकता है। मेरी भी, मैं दो बेटियों का पिता हूं, मैं उनसे ही बराबर कहता हूं कि आपको संभावना यदि है, अवसर यदि है, कोई लड़का आपको मिलता, प्यार करो। किस जाति का, किस धर्म का, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और एक बेटी मेरी डॉक्टर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इंग्लिश पढ़ाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये मतलब कहते ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं अपने घर से अपने बच्चों को यह मैं प्रेरणा दे रहा हूं, अपनी बेटियों को मैं कह रहा हूं। वरना सोचिए, बाबा साहेब अंबेडकर को जीवन के अंतिम पड़ाव में दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी, उनके पास क्या कमी थी, क्या उनकी कोई सेक्स की रिक्वायरमेंट थी इसके लिए वो शादी कर रहे थे? बिल्कुल नहीं थी। वो डायबिटिक पेशेंट थे, शरीर इतना बढ़ रहा था, वो चल फिर पाने में असमर्थ थे, सारा कुछ था। केवल वो जो उनका एक कंसेप्ट था, जो उनका सिद्धांत था कि जाति विहीन समाज, उसको वो व्यावहारिक रूप देना चाहते थे ताकि समाज के बीच में एक मॉडल बने, एक एग्जाम्पल बने और समाज उस पर आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की सविता कबीर के साथ में, तो एक रास्ता उन्होंने दिखाया। लेकिन अंबेडकरवादी लोग ही उस रास्ते पर चलने से, वो औरों की बात छोड़िए, वो अपने दलित समाज की, अपनी जातियों के दर्दों से बाहर नहीं आते। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं अपने वहां क्षेत्र को जानता हूं कि भाई ये जाटव है, ये चमार है, ये जटिया है, ये वो है, वो इतने ज्यादा विभाजन है, कोई एक दूसरे से नहीं मिलते, एक दूसरे को उसमें शादी नहीं करते। वो बुलंदशहर का है, अच्छा तो वो हमसे पिछड़ा वाला है, वो मेरठ का है, वो हमसे ये वाला है, ये हरियाणा का, इस बॉर्डर का, अच्छा तो नहीं, ये तो हमसे, ये तो ये वो है ही नहीं, इतने सारे विभाजन हर जगह हैं। तो ये कैसे विमर्श बनेगा, हास्य का समाज कैसे मुख्य समाज बनेगा, कैसे मुख्य धारा का समाज बनेगा, ये सवाल आज के समय में है। बहुत सारे इसके आयाम हैं। अभी चूंकि अगले सत्र में फिर मुझे बोलना है और ये सत्र बहुत लंबा हो गया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे हम और देर होगी तो अगले सत्र में देरी होगी, और मैं कुछ है मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा कोई लेखक नहीं हूँ, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति हूँ जो समाज से मैंने सीखा है, इसलिए मैं उस अनुशासन को मेंटेन रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम बाकी बात अगले सत्र में करेंगे। बहुत इस सत्र में चर्चा हुई, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने व्याख्यान सुने, और सुनने के साथ साथ आपने मुझे भी इतनी देर बर्दाश्त किया, आप लोगों ने तालियां बजाई, मुझे तालियों की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए तालियां मत बजाइए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर सोचिए। यदि आप
उसे सोचेंगे तो मैं समझता हूँ मेरा बोलना सार्थक है। आपकी तालियां मेरी किसी काम नहीं आएंगी, आपके भी किसी काम नहीं आएंगी, मैं थोड़ी देर खुश हो जाऊंगा, और मैं खुश होने वाले लोगों में नहीं हूं तालियों से। मैं चाहता हूं यहां डिस्कोर्स हो रहा है, उस डिस्कोर्स को हम अपने दिमागों में, ये हमारे ये सवाल जो उठ रहे हैं वो हथौड़ों की तरह काम करने चाहिए, हमें सोचने का मौका मिलना चाहिए। हम सोचें, आप लोग सोचें, विचार करें। आप लोगों ने सुना, मुझे बुलाया और यहाँ इतनी बड़ी इज्जत मुझे दी, इसके लिए आप सबका, मानू का, हिंदी विभाग का, आप कुलपति महोदय का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हाशिए के समाज पर अपनी झलकियां पेश कर रहे थे। सर हमारे बीच दो दिन रहेंगे और भी कई ज्वलंत मुद्दों पर सर चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए कुल सचिव मानू डॉक्टर एम एस सिकंदर जी को से गुजारिश करता हूं कि वह डायस पर तशरीफ लाएं और अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। Assalamu alaikum, very good afternoon. Okay, we started the session in the morning. Now we are almost about lunch time. Another session has to commence. क्योंकि मैं झगड़ा पड़ता उर्दू बोलूँ या हिंदी बोलूँ तो बीच में अंग्रेजी में रखा तो कट्टीमनी साहब यहाँ नहीं है। कट्टीमनी साहब इस मुझे ऐसा लगा कि इंस्पिरेशन है और करदम साहब का बात सुन के बिल्कुल दिल को छूने वाली बात उन्होंने कहा है। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने तो 25 साल पहले अपना अमल कर लिया ये बात को तो मैं मुझे और हमारा जो डीन लैंग्वेजेस हैं और हमारा छोड़ी हैं सेसु बाबू साहब, आप और जो आगे बैठे हुए हैं और सेशन में जो आए हुए हैं बाहर से आए हुए हैं छोड़ी से हिंदी डिपार्टमेंट विभिन्न हिंदी विभाग के यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं उनको सबको और रिसर्च स्कॉलर्स को और हमारे यहाँ के जो आए हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए मेरा तरफ से नमस्कार और आदाब। और मुझे बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था कि सारा दिन फाइल के अंदर घुसा रहता हूँ। पहले तो मैं फ्री बैठता, 4 साल तक मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में ऐसे ही संगोष्ठी में बैठा करता था, बात करता इधर, कितने किताब रिलीज़ किए कोई हिसाब नहीं है। तो कभी ऐसे मौका बार बार मैं कोना नहीं चाह रहा था, तो बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि ऑफिस से पीवीसी साहब भाई कहाँ हैं कहाँ हैं, तो मैं चुपके से यहाँ बैठ गया तो मुझे कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो इट्स अ फूड फॉर थॉट क्योंकि इसके बाद फूड होंगे। तो मैं ये बिल्कुल सहमत हूँ जो हमारा जो स्पीकर है जो आए हैं, तो आज इस वक्त पे ताली की ज़रूरत नहीं है, सोच की ज़रूरत है, वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। तो समाज में अगर बदलाव चाहिए आपको ये कुछ अमल में भी लाना पड़ेगा। केवल व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करने से, दूसरे के फ़ोन के अंदर क्लॉकिंग करने से नहीं होगा, आपको अपने विचार को सोचना पड़ेगा। सोच में ही अगर बदलाव आएंगे तभी होंगे। अब मैं कुछ बात 3-4 बात रखना चाहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मैं 5 मिनट के अंदर समेट लूँगा मेरी बात। एक बात रह गई कि उर्दू और हिंदी की, अगर आप पर्शियन में लिखते हैं वो उर्दू हो गया, तो देवनागरी में लिखते हैं वो हिंदी हो गया, यही है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, और उर्दू का नाम भी पहला नाम हिंदी ही था, ये सुनने में आया, मुझे पता नहीं, अब साहब उर्दू स्कॉलर बताएंगे कि ये कोई, जहाँ तक बाहर के लोग भी आए हुए, मैं उर्दू की कोई स्कॉलर तो नहीं है, ना हिंदी का भी है ना अंग्रेजी का है, तो मेरी भी कुछ बाकी सारा पढ़ाई बहुत सारा लाइब्रेरी में, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में हुई है, कि यूनिवर्सिटी और स्कूल के लाइब्रेरी में कम हुई है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, क्योंकि रात को वही खुला रहता है। स्कूल में तो हमें जाते जाते कई नौकरी करने होते हैं, नहीं होगा तो हर वक्त धमकियां मिलती है माँ से, अरे लंबा इतना लंबा हो गया तुम्हारा, अगर बगल वाला पड़ोसी का 60 रुपया हफ्ता कमा रहा तुम क्या कहाँ जा रहे हो, पढ़ के क्या मिलेगा, ऐसे सुन के आते थे। तो हमारा भी अभी पालन पोषण ऐसे हुआ है संघर्ष के साथ। तो मैं ये इसलिए आप अपना दिमाग से हटा दीजिए, उर्दू कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, जिस लिस्ट में हिंदी भी है वहाँ पे उर्दू भी है, उसमें संस्कृत भी है।
तो इसलिए कोई ये विदेशी भाषा नहीं है बोलने वाला, ये कोई ज़रूर नहीं है कि जितने उर्दू पढ़ते हैं लिखने हैं वो सारे मुसलमान हैं, वो भी नहीं है। लेकिन अब ये एक टाबू सा बन रहा है कि उर्दू पढ़ना तो मुसलमान पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने आप को रोक दिया, अपने आप को केज में बंद कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हटाना चाहिए, हमारा दिमाग में थोड़ा सा उसको दिमाग से हटा दें तो अच्छा रहेगा, हमारा लिए ठीक भी रहेगा समझने में। और लाइब्रेरी की बात बहुत कटमिनी साहब बिल्कुल रखे, मैं लाइब्रेरी का चर्चा कर रहा था तो मैं आजकल लाइब्रेरी में मैं आने के बाद मैं बहुत चक्कर लगा चुका हूँ, डस्ट से भरी हुई है लाइब्रेरी। मैं फ्लोरी बातों पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे संडे आया था, मुझे बिल्कुल दिल में डस्टिंग करने लग गया मेरे से, तो किताब का मैंने देखा ये किताब 4-5 साल के पहले इश्यू की है। केवल हम पब्लिशर ज़्यादा हो गए हैं और लिखने वाला भी ज़्यादा बढ़े, पाठक जो है पढ़ने वाला कम हो गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो हम कभी कहते हैं हम तो पढ़ते नहीं, तो हम तो डिजिटल बुक पढ़ते हैं, ई बुक पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे हर टाइम। जैसा अगर कहते हैं हम तो मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, जैसा मोबाइल खोला व्हाट्सअप ख़त्म हुआ, फेसबुक ख़त्म हुआ, इंस्टाग्राम, ये तो लंच हो गया। कुछ मैं दिल्ली के शहर में मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे लोग सारा दिन यही करते हैं, दिन भर सोते रात भर पूरा सोशल मीडिया में, तो कन्फ्यूज्ड है। पहले मैं कहीं कह रहा था कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, पहले यूनिवर्सिटी में हम काम करते हैं, अरे पहले 15 साल पहले वाइस चांसलर ऐसा था, वाइस प्रोफेसर था, इतने भीड़ होती है, अब तो साल भर का भी याद नहीं। आने वाला सोसाइटी में तो लगता है कि महीना भर में याद की इन्फॉर्मेशन इतना ओवरफ्लो हो रहा है, हमको याद रखने लायक है ही नहीं, हम अपने से परेशान हैं, पासवर्ड कैसे कहाँ कहाँ लिख के रखेंगे इसी में परेशान है, पैसा हो ना हो पासवर्ड, हर चीज़ का पासवर्ड, इसी में हमारा दिल गुजर रहा है, समाज के बारे में कहाँ सोचते हैं। तो मैं मुझे नहीं लगता ये मेरे साथ भी हो रहा है, आप लोगों के साथ भी होगा मैं मानता हूँ। एक जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर बदलाव लाना है, हम ही हैं, ये यूथ है, हम कहते हैं भाई इतना बड़ा हम तो चाइना को 2025 में चाइना को हम क्रॉस कर लेंगे, तो क्रॉस किस में करें, पॉवर्टी में करेंगे। मुझे लगे समझ आप अपने पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका, तो अगर ये इसमें बिल्कुल, आप यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, मैं बिल्कुल उनको कहना चाहता हूँ इफ़ यू फेल टू एंगेज दिस यंग लॉर्ड्स, ये बिल्कुल हमें बोझ बन के रह जाएंगे, उनको एंगेज करिए। मैं इतना ही मैं अपील ही कर सकता हूँ, मैं कुछ दिन पढ़ाया हूँ, अभी हो गया छूट गया 10-12 साल पहले, बड़ा मुझे 4 घंटा तैयार करना पड़ता बच्चे लोगों को फेस करने के लिए, अब वो जमाने में भी ऐसा है, तो अभी आज के दिन तो गूगल बाबा है, 2 मिनट पे आप बोलेंगे सर रुकिए मोबाइल है स्मार्टफोन बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं गलत ब्लैक बोर्ड पे। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर टीचर्स, अब बच्चों को एंगेज करना है। एंड मैं 2 दिन पहले यहीं था इसी मंच पे, आए हुए जो स्पीकर है वो बता रहे थे कि भाई बी ए मेंटर टू द स्टूडेंट्स, हम कोई गुरु नहीं रह गए, तो अभी हम केवल मेंटरिंग रोल हमें प्ले करना पड़ेगा, दोस्त बन के या सीनियर लीडर बन के उनको, तो ये हार्ड वर्क बाकी चीज़ें मैं कुछ और बहुत अच्छा लगा है। तो मैं बिल्कुल सर मैं जैसा रजिस्ट्रार बन के आया हूँ तो पहला बार हिंदी विभाग का लोग मिले, उर्दू डिपार्टमेंट वाला आए नहीं बाद में क्योंकि रत्नागर था हमारा कहीं ट्रांसलेट NBT का, तो उन लोग आके मिले इसलिए इनके साथ लगा हुआ, मेरे साथ भी मैंने इनको इतना आश्वासन दिया है कि आपका आइडेंटिटी नहीं खोड़ेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी में रहने के बाद भी एटलीस्ट आई विल नॉट यू नो अलाउ दिस हैपन, आपका आइडेंटिटी बिल्कुल बना रहेगा, दुरुस्त रहेगा आपको, इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ खत्म करता हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। अब बिना किसी देर के धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर जीवी रत्नाकर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए। सभी को नमस्कार, जय भीम, आदाब। ये बहुत खुशी की बात है, आज हिंदी डिपार्टमेंट का जो त्रिदिवसीय सेमिनार है ये 2 दिन में हमारे साथ रहने के लिए हम कटिमिनी साहब को इनवाइट किए, और साथ साथ भाई शशु बाबू
हमारा सफ़र हैदराबाद यूनिवर्सिटी से 25 ईयर्स से शुरू हो गया। दोनों का गुरु जी प्रोफेसर कृष्णा जी है, हमारे सामने गुरु जी सराज जी है, और ये हिंदी डिपार्टमेंट का शुरुआत इकबाल साहब के हाथों से, पठान साहब के समय से, और डिस्टेंस एडुकेशन भी शुरू हो गए भाई करण सिंह और रहीम खान, और मिलकर हम आगे जा रहे हैं। और बहुत मुश्किल से हिंदी डिपार्टमेंट चलाने का समय भी शुरू हो गया, उर्दू को लेकर बच्चे डर रहे हैं और सबका प्रॉब्लम भी है, और रजिस्ट्रार साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदी डिपार्टमेंट है, उर्दू यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट भी है, ऐसा लोग पूछने का समय खत्म हो गया, अभी हिंदी डिपार्टमेंट का पहचान शुरू हो गया। साहब भी एडवाइज के और कटमेनी साहब के समय से ये डिपार्टमेंट का जो जो प्रॉब्लम्स है हम बात करते रहते, साहब का कटमेनी साहब का आशीर्वाद से, और रजिस्ट्रार साहब भी आ गया बताया ऑलरेडी NBT का 2 बुक्स में अनुवाद किया, साहब ने इनका आविष्कार किया 5 साल पहले, ये कश्मीरी उर्दू कहानी हिंदी से मैं तेलुगु अनुवाद किया, और एक दूसरा एक कहानी भी है, इस तरह एक अच्छे लिटरेरी माहौल में, और गुरुजी मानता हूँ मैं कटमेनी साहब को, और साहित्य क्षेत्र में जयप्रकाश कदम साहब को, बाबा साहब को जो आइडियालॉजी को लेकर आगे ले जा रहा है, साहब को मैं खुशी से मानता हूँ। साहब का मैं गुंगा नहीं था ये काव्य संग्रह को मैं राघवन अतोलिक मलयालम का कंडती काव्य संग्रह के साथ तुलनात्मक अध्ययन कराया मेरे स्टूडेंट के साथ, और मेरा इब्रार अहमद आए मेरे सामने हुए, उनका तिलका तिलका आग काव्य संग्रह के ऊपर भी MPhil हो गया इब्रार का, अभी साहब के ऊपर PhD भी कर रहे। इस तरह हम उर्दू यूनिवर्सिटी में भगवान के आशीर्वाद से हमें मिलने का, बाबा साहब के आशीर्वाद से वो मौका मिला, उनको सदुपयोग करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुबशिर साहब अच्छी तरह से डेली आके क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ तो कुछ करो, ऐसा एडवाइस देते रहते। कटमेनी साहब जो कारवां लेकर आगे चले गए, आप भी लेना आए, मैं भी आपके साथ हूँ, बोलते रहते हमेशा हिंदी डिपार्टमेंट को जो जो प्रॉब्लम्स आए थे, डीन साहब रत्नाकर करो कुछ तो कुछ करना है, ऐसा मौका देते रहते। इस तरह हिंदी डिपार्टमेंट को आगे ले जाने के लिए ये अच्छा ये सेमिनार के संदर्भ में आप लोगों से मिलने के समय में, सामने शरवादे साहब है और रामप्रकाश हमारे सीनियर SU के, और बहुत सारे मैडम अन्नपूर्णा मैडम भी है, और बहुत सारे दोस्त लोग ऑल यूनिवर्सिटीज से, हमारे सदर साहब है जुनेद साहब, हिंदी डिपार्टमेंट का जो प्रॉब्लम है तो रब में आऊँगा, चलो ये साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ तो कुछ करेंगे, ऐसा मदद करते रहते ये माहौल से हम आगे जा रहे हैं आप सभी को, और समय भी खत्म हो गया, इसलिए नेक्स्ट सेशन शुरू करना है, मैं खत्म कर रहा हूँ, नमस्कार। थैंक यू सर। एक ज़रूरी सूचना ये है, चाय विराम के बाद इसी हॉल में संगोष्ठी का प्रथम सत्र शुरू होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।